नाजरीन अपडेट करेंगे आपको कि चेयरमैन सेनेट सारिफ संजरानी की ज़ेरे सदारत सेनेट का इजलास जारी है और इसाकदार बतौर सेनेटर हलफ उठा चुके हैं और कुछ मनाजिर भी इस मौके के देख सकते हैं आप 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर। आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट सारिफ संजरानी की ज़ेरे सदारत सेनेट का इजलास जारी है। गुरदीप सिंह साहब, सेनेटर गुरदीप सिंह, उस तरफ हो जाए प्लीज, इस तरफ अपने निशस्तों पर तरफ चले, अपने निशस्तों पर चले प्लीज, सिक्योरिटी वाले आ जाए जी, आए जी आए, चलें जी अपने निशस्तों पे प्लीज, अपने निशस्तों पे चले। डॉक्टर शहजाद साहब अपने निशस्तों पे चले, डॉक्टर साहब झगड़ा ना करें प्लीज, डॉक्टर साहब अपने निशस्तों पे चले प्लीज, अपने निशस्तों पे चले प्लीज, अपने निशस्तों पे चले डॉक्टर साहब। डॉक्टर शहजाद साहब मेरी गुजारिश है अपने लोगों को लेकर निशस्तों पे चले सर, निशस्तों पे प्लीज, निशस्तों पे चले। गुरदीप सिंह साहब, गुरदीप सिंह साहब, सेनेटर गुरदीप सिंह अपने निशस्त पे चले जाए प्लीज। डॉक्टर साहब बस मेहरबानी जी, तशरीफ, सिक्योरिटी वाले आहिस्ता आहिस्ता आगे हो जाए जी, अपने निशस्तों पे चले जी। क्वेश्चन आवर प्लीज, क्वेश्चन आवर नहीं, तशरीफ रखें, आज नहीं होगा, तशरीफ रखें, क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर प्लीज। ऑनरेबल सेनेटर राणा महमूदुल हसन साहब, डॉक्टर शहजाद साहब मेरी गुजारिश है अपने लोगों को प्लीज बिठाएं अपने निशस्तों पे प्लीज, अपने निशस्तों पे चलें। डॉक्टर जरका साहिबा सारे प्लीज अपने निशस्तों पे चलें, निशस्तों पे चलें प्लीज। निशस्तों पे चलें प्लीज। थैंक यू, थैंक यू सर, तशरीफ रखें सर, तशरीफ रखें, वो मेरा रुकन है, सेनेट है जैसे आप हैं। थैंक यू सर। क्वेश्चन आवर सर, क्वेश्चन आवर। ऑनरेबल सेनेटर राणा महमूदुल हसन, लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। सिर्फ दो, सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस हाउस का तकद्दस है उसका कुछ ख्याल करे, अपने दामन में भी झांक लिया करे, सिर्फ हर दफा एक तरफ ही पानी नहीं उठता। इस रुकन, इस मौजूद ऐवान के रुकन है, उन्होंने ओथ लिया है, हमारे लीडर ऑफ द हाउस रहे, लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे, हाउस के कुछ तो ख्याल रखें प्लीज, तशरीफ रखें सर, मेरी गुजारिश है तशरीफ रखें। चौधरी साहब तशरीफ रखें, आप तो बड़े पुराने आदमी हैं, बैठ जाएं। डॉक्टर शहजाद साहब प्लीज, आप तो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, इस हाउस का कोई एहतराम रखें प्लीज, तशरीफ रखें। थैंक यू सर, तशरीफ रखें, लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं, कोई बात करें, तशरीफ रखें। मोहसिन साहब प्लीज जी। जनाबे चेयरमैन, एहतजाज जमहूरी हक है, लेकिन मेरे ख्याल में मौजूद ऐवान की बहुत तरफशिंदा और बहुत आबिंदा रवायात है। आज इस रुकन के, आज इस मौजूद ऐवान के एक रुकन ने हल्फ उठाया है बतौर सैनेटर, हम खुश आमदेद कहते हैं। प्लीज हम, प्लीज हम एक्सपेंज आपके कहने पर, मोजेस रुकना हमारे लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन और मोजेस सेनेटर हैं, अभी सेनेट का हल्फ उठाया उन्होंने, आपके कुलीग हैं, प्लीज प्लीज हाउस के माहौल को खराब ना करें। ये मैं एक अर्ज कर दूं, मेरी अर्ज सुने डॉक्टर जरका साहिबा, इस तरह ना करें, कल को ये उल्टा ना हो जाए प्लीज जी। मैंने यही इनसे इस्तदा की है कि हाउस की कुछ रवायात हैं, ये एपिक्स हाउस है, इलेक्टेड बॉडी है, इसहाक डार साहब मुंत सेनेटर हैं, उन्होंने आज ओथ उठाया है, हम उनको खुशामदेद कहते हैं, प्लीज हम उन्हें खुशामदेद कहते हैं और हम ये तवक्को की खिदमत की है वो अपनी बसियार कोशिश के साथ जिन मुश्किल हालात से हम निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, उससे इंशाल्लाह उल अजीज इस टीम का हिस्सा बन के पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेंगे। करूंगा बड़े अदब के साथ कि हमने हमेशा इस ऐवान के तकद्दस का ख्याल रखा है, एहतजाज में बात करना, एहतजाज में बात करना, माइक पे बात करें, ऐवान का तकद्दस इस तरह पामाल ना करें, दामन किसी का साफ नहीं है, दामन प्लीज लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं डॉक्टर साहब, ऐसे ना करें, अगर वो प्लीज, अगर हम फिर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए खड़े हो जाएंगे लोग,
आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कानून जो हैं वो सब पे वाजे हैं। वो तशरीफ लाए हैं, उन्होंने आज हल्फ उठाया है। बाकी रही बात जो आपके तहफ़ुज़ात हैं वो आपके जाती हो सकते हैं, आईन और कानून इन तहफ़ुज़ात से ला इल्म और ला ताल्लुक है। तो मैं अपने दोस्तों की तरफ से एक बार फिर इसहाक़ डार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके इस हाउस में आमद जो है और इस टीम का हिस्सा बन के वो पाकिस्तान की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लीडर ऑफ द अपोजिशन सर। चेयरमैन, लीडर ऑफ हाउस ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इस ऐवान का कोई तकद्दस है और इस ऐवान का तकद्दस इसकी रवायात के साथ है। आज तक इस ऐवान रवायत नहीं रही कि एक शख्स 2018 में इलेक्ट होता है, उसके बाद वो बैरून मुल्क, उसके बाद वो बैरून मुल्क फरार हो जाता है, इलेक्ट भी बाद में होता है और उसके बाद वो वापस आता है, चार साल तक वो सीट खाली रहती है। जनाब चेयरमैन, इस दौरान एक ऑर्डिनेंस आता है, उस ऑर्डिनेंस के ऊपर भी बैठ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहां तक आपको याद होगा कि यहां से लेटर भी गए इलेक्शन कमीशन को, लेटर भी गए कि ये इतने अरसे से ये सीट खाली है और अगर वो हलफ नहीं उठाते तो फिर इस सीट पर दोबारा इलेक्शन कराया जाए। जनाब चेयरमैन, नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सिस्टम चल रहा है ये शख्सियात को प्रोटेक्ट करने के लिए चल रहा है, ये आईन कानून के ऊपर नहीं। एक खानदान की जागीर बनता जा रहा है ये मुल्क एक खानदान की जागीर बनता जा रहा है। जनाब चेयरमैन, ये कौन सा मुल्क है कि जब आपका एक प्राइम मिनिस्टर एक शख्स को बहरामन तंगी साहब प्लीज, एक मिनट बहरामन तंगी साहब प्लीज, सच में एक शख्स को कोर्ट बुलाती है मुकदमे में, प्लीज आप लोग तो ना करें, गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस वाले प्लीज जी, वो बजाय अपनी सफाई देने के वो मुल्क से भाग जाता है। और कैसे भागता है? उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर उसको अपने जहाज पर बिठाकर इस मुल्क से फरार कराता है और दूसरा प्राइम मिनिस्टर उस एब्सकॉन्डर को अपने जहाज पर बिठाकर वापस लैंड कराता है। मेरी इतला के मुताबिक अभी तक इन्होंने कोर्ट के आगे सरेंडर भी नहीं किया, पेश भी नहीं हुए, सीधे आगे हैं सेनेट में। सेनेट की भी तो कोई हैसियत है कि नहीं है? सेनेट का भी कोई एहतराम है तो है कि नहीं है? कोर्टों का एहतराम होगा, सेनेट का और पार्लियामेंट का भी एहतराम है। जनाब चेयरमैन, यहां पर तो फ्री राइड पर एब्सकॉन्डर जाते हैं, फ्री राइड पर एब्सकॉन्डर आते हैं, ये तो इकोनॉमी क्लास का किराया भी नहीं पे करते, जहाज भी उसमें जाते हैं जिसका खर्चा इसी मुल्क के टैक्स गुजार देते हैं। ये मजाक बंद होना चाहिए जनाब चेयरमैन। ये आपने उस दिन देखा, आपने ऑडियो लीक्स देखी सर, ऑडियो लीक्स ने बता दिया कि इस मुल्क के ऊपर एक खानदान अपना शाही राज मुसलत करना चाहता है और सर जितने जमहूरियत पसंद है शाही राज को मुसलत नहीं होने देंगे। जिस शख्स के ऊपर ये इल्जाम है कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है उसने, उसी को आप उसके इलाज के लिए लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सर। बीमार हुए मीर क्या सादा है आपके ही लीडर ऑफ द अपोजिशन मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दुआ लेते हैं। थैंक यू सर। जनाब चेयरमैन हमारा पुरजोर इस पर एहतजाज है, हम इस रवैये की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, इस मुल्क में इश्तहारियों की कमी है। अपने आप को अदालतों में पेश करें, अपने आप को अदालतों से आप सुरखरू कराएं और सर आईन और कानून को अपनी जेब की घड़ी मत समझें, ना इदारों को। ये यहाँ पर इस वक्त मसला ये है सर, एक शख्स है जिसका नाम है इक्तदार, वो डॉक्टर भी सबसे बड़ा है, यानी जब इक्तदार होता है तो बीमारियां भी सारी ठीक, वो वकील भी सबसे बड़ा है, यानी जब इक्तदार होता है तो मुकदमे भी सारे खत्म। ये कौन सा मुल्क, कौन सी बनाना रिपब्लिक बनाने जा रहे हैं सर? इस मुल्क को सर चलाना है पार्लियामेंट की बालादस्ती के साथ। आईन मिनिस्टर साहब उस तरफ से आ जाए, मिनिस्टर साहब उधर से सर, ये क्या जी 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 आईन कानून और जब्ते के तहत, वरना
इस मुल्क को हम बनाना थैंक यू सर नहीं बनने देंगे थैंक यू सर ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस सर एक इस्तदा करूंगा फिरते जज्बात में लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत कुछ कह गए उनका हक है उन्हें कहना चाहिए मैं सिर्फ एक अर्ज करूंगा कि हम अराकीन सेनेट जरूर हैं कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है कोई लीडर ऑफ हाउस है कोई वजीर है लेकिन ना हम आईन हैं बजाते खुद ना हम कानून हैं बजाते खुद ना हम अदालत हैं बजाते खुद ना हम मुस्तगीस हैं ना वकील हैं मैं अर्ज करता हूं डार साहब के केस में दरख्वास्त दायर हुई अदालत ने 7 अक्टूबर तक को उसको मुअत्तल किया कार्रवाई को ये एक अदालती फैसला होता है इस मुल्क के सदर मुमलिकत जो आज मसनद पे बैठे हुए हैं वो भी इश्तिहारी थे पिछली हुकूमत के वजीर आजम भी इश्तिहारी थे वो भी अदालत में जाके उन्होंने अदालत में प्लीज प्लीज ऑर्डर ऑर्डर प्लीज लीडर ऑफ द हाउस बात कर रहे हैं थोड़ा सा इज्जत करें डॉक्टर साहब तशरीफ रखें प्लीज तशरीफ रखें सिर्फ इतने डॉक्टर सरकार साहबा प्लीज सिर्फ फलकनाथ साहबा में सिर्फ इतनी इस्तदा है नहीं सदर साहब ने खुद ऑप्ट किया और अदालत में जाके उन्होंने 3-4 माह बल्कि मार्च 2022 में सदर मुमलिकत ने दरख्वास्त दे के अदालत से बरीयत हासिल की वजीर आजम साहब का भी यही मामला था उस वक्त के इमरान खान ने भी ये किया इस मुल्क में आईन और कानून की पासदारी है और खुदारा आपकी जाती पसंद नापसंद के ऊपर ना तो कोई सीट खाली हो सकती है आईने पाकिस्तान उसका मैकेनिज्म देता है आपने एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट की वो भी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ये जरूरत भी नहीं की कि उसे पार्लियामान में ला के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनावे वो सदारती ऑर्डिनेंस अपनी मौत मर गया उस पे अमल दरामद नहीं हो सका वो कानून की मंशा थी वो आयन की मंशा थी वो किसी जाती पसंद नापसंद पे नहीं था तो इसलिए मैं कुछ ये क्लैरिफिकेशन जो देना चाहता था आपको तनकीद का हक है लेकिन हकायक मस ना करे बहुत शुक्रिया क्वेश्चन आर जी राना महमूद उल हसन साहब तशरीफ नहीं लाए सर बस अब तशरीफ रखें क्वेश्चन आर प्लीज सेनेटर बैर अहमद खान तंगी क्वेश्चन नंबर 54 प्लीज क्वेश्चन प्लीज सर मुझे पहले क्वेश्चन प्लीज सर क्वेश्चन फिर दे देंगे सर दो मिनट मुझे बोले क्वेश्चन सर लीडर ऑफ सर क्वेश्चन 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 एंड क्वेश्चन सर तंगी हाउस तो तंगा वामा शबर का थैंक यू चेयरमैन साहब क्वेश्चन नंबर 54 आंसर टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री सर चेयरमैन साहब मेरा सवाल था मिनिस्टर साहब से कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो पाकिस्तान की लाखों लोग हैं जो गरीब लोग हैं मेहनत कश है मजदूर है तो उनकी कुछ एकामा की प्रॉब्लम्स है कपील के साथ वो काम करते हैं फिर उनको वो पैसे नहीं देते हैं तो उन उसके बारे में मैंने सवाल किया था मिनिस्टर साहब से मुझे जो जवाब दिया है वो ये है कि मुख्तलिफ सऊदी अरब में ओमान में कतर में मुत्तहद अरब अमारात में और कुवैत में मुख्तलिफ जो काउंसलर्स हैं बेशक कि उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जो देकान जो मजदूरी करते हैं लेबर्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए तो उस पर काम किया है लेकिन मिनिस्टर साहब मुझे ये बताएं कि वहां जो एम्बेसी